ओके जी, ये मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये टैबलेट मसला कर रहा था, अभी मैं दोबारा इसको रिस्टार्ट किया है। तो मैं लिखवा था आपको सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर, ये हेडिंग ले लिया आप लोगों ने, लिख लिया आप लोगों ने सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। यस सर। सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था टॉपिक उसका क्या नाम था? हाफ ब्रिज। था बिल्कुल ठीक। तो डायग्राम बनाइए, डायग्राम में क्या डिफरेंस आएगा? ये आपकी सप्लाई आ गई, ठीक है। ये ट्रांसिस्टर्स आ गए, ठीक है। ड्रॉ कर लें, लोड आ गया। ये अगेन दो डायोड्स आ गए, ये फुल है तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। टोटल चार हो गए, इसका नाम है Q1, है Q2, का नाम है जैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं ना डायग्राम में, ठीक है जी। ये नोट कर लें, नोट कर लिया। और इसका स्टैंडर्ड हम ये ले लेते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड है आई नॉट, और इसका स्टैंडर्ड क्या है? नोट हो गया यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहूं कि जीरो से लेकर इसके आधे टाइम तक टी नॉट बाई टू तक हमारे पास क्यू वन और क्यू टू ये दोनों ऑन होंगे, करंट का पाथ कैसा होगा? करंट यहां से निकल के यू आएगा और यू जाएगा और यू होता हुआ यू चला जाएगा। एग्री? क्या यही बात होगा करंट का? यस सर। तो इस पाथ में अगर आप गौर करें तो वी नॉट किसके बराबर है? वीएस के बराबर है। चेक करें, ये दोनों पैरेलल में हैं। और आई नॉट कैसा है? पॉजिटिव है। और अगर इस टाइम के लिए मैंने हाफ टाइम देखे किया है टी नॉट, कल कोई पूछ रहा था ना 50% ड्यूटी साइकिल कैसे है, इस तरीके से अगर मैं Q3 और Q4 को ऑन कर दूं, जाहिर है उन दोनों को फिर ऑफ कर दूं मोमेंट टू को, तो फिर पाथ कैसा बनेगा करंट का? Yes, Q3 लोड, Q4 और जीरो माइनस। करंट तो यहीं से निकलेगा अगर सीधा आगे चला जाएगा, हाँ यहाँ से आएगा और यहाँ से गुजरेगा, यूं गुजर के यहाँ वापस आएगा। क्या ख्याल है आपका? सही बनाया? सही है सर। तो जरा देखें वी नॉट क्या माइनस वी एस नहीं हो गया, हाँ, और आई नॉट नेगेटिव नहीं हो गया? चेक करें,
करें, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इसके अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो पहले वीएस बाई टू तक जो चीज जा रही थी वो वीएस तक जाएगी, डबल हो गई ना ब्रिज, फुल ब्रिज का। और आपका ये आउटपुट कैसा आएगा हाफ टाइम के लिए? वीएस है या हाफ टाइम के लिए माइनस वीएस है, फिर हाफ टाइम के लिए वीएस है एंड सो ऑन। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे बल्कि देख लेते हैं, ये टी नॉट बाई टू है और ये टी नॉट है। जी यहाँ से क्लियर बात? सही है सर। कोई सवाल है तो पूछिए। ये क्लियर है? Yes, तो अगर इसका आरएमएस वोल्टेज आपको निकालना हो तो पिछली दफा वीएस बाई टू आया था, तो जाहिर है इस दफा वीएस आना चाहिए। तो निकाल कर देख लेते हैं वी नॉट आरएमएस क्या होना चाहिए। आधी साइकिल के लिए अगर मैं करूं तो ये डिवाइड बाई टी नॉट करूंगा, ऊपर ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट लगेगी जीरो से लेके टी नॉट बाई टू तक। और अंदर क्या आएगा वी एस स्क्वायर, बस यही फंक्शन है क्योंकि कांस्टेंट है वी टी का हाफ। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा वी एस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा टू अपॉन टी नॉट और आफ्टर इंटीग्रेशन इसकी लिमिट लगेगी टी नॉट बाई टू माइनस जीरो, ये वन ही हो जाएगा, इसके बराबर आ गया। तो ये आपकी मेन चीज आ गई, V नॉट RMS किसके बराबर आ गया, VS के बराबर। ठीक है, ओके। इसके बाद मुझे इसको फोरियर में एक्सप्रेस करना है, तो फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V नॉट किसके बराबर होता है, A नॉट प्लस समेशन N जो है वन टू थ्री, अंदर क्या आएगा ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस डी एन साइन एन ओमेगा टी, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं चाहिए वो लगेगी ना, जो हमने पढ़ा था क्या कहते हैं उसको, जो एक जैसे केसेस होते हैं सिमेट्री, हाँ पांच केसेस हमने सिमेट्री के देखे थे ना, इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री, इवन प्लस हाफ वेव, ऑड प्लस हाफ वेव, तो इसमें कौन सी लग रही है? केस फाइव। जी कौन सी? केस फाइव। केस फाइव यानी ऑड प्लस हाफ वेव, सही है, यही लगेगी ना। ओके, ये रब कर दूं, डायग्राम रब कर दूं, डायग्राम समझ में आ गई? सब कुछ पूछने तो बताएं भाई, अब कर दूं। हेलो जी सर, कर दें। ओके ये मैं सब रब कर रहा हूं, हमारे पास सिमेट्री कौन सी लग रही है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास सिमेट्री जो लग रही है वो लग रही है केस फाइव, यानी के ऑड
प्लस हाफ वे, उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, ए नॉट जीरो हो जाएगा और ए एन भी जीरो हो जाएगा और बी एन सिर्फ ऑड वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा। बी एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है टू अपॉन टी नॉट, तो इसको भी ट्वाइस कर लें, टू मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन टी नॉट और लिमिट लगा लें जीरो से टी नॉट अपॉन टू तक, क्या जाएगी वी एस, यही फंक्शन है, बी एस ही है। आगे क्या आएगा, साइन एन ओमेगा टी टी, तो ये क्या बना, फोर बी एस अपॉन टी नॉट, और साइन का क्या होता है कॉस एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, लिमिट्स को आप उलट देंगे जीरो से टी नॉट बाई टू, सही है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं बी एन। अच्छा फोर वी एस अपॉन टी नॉट है ना, एन ओमेगा, ओमेगा क्या होता है टू पाई अपॉन टी नॉट, तो टी नॉट से टी नॉट कट गया, फोर वी एस अपॉन टू एन पाई, तो ये आ जाएगा टू वी एस अपॉन एन पाई, फोर ऊपर है नीचे टू है तो वो काट देगा, और अंदर क्या आएगा वन कॉस, जब जीरो डालेगा तो वन आएगा माइनस, और ये टी नॉट बाई टू डाल देंगे कॉस एन ओमेगा टी नॉट बाई टू, लिख लेता हूँ चलो कॉस एन ओमेगा टी नॉट बाई टू, यहाँ पे देख रहे हैं कि ओमेगा होता है टू पाई अपॉन टी नॉट से टी नॉट कट गया, टू से टू कट गया, बचा क्या कॉस एन पाई, क्या बचा कॉस एन पाई, कॉस एन पाई। अब यहाँ पे चूंकि सिर्फ और सिर्फ ऑड वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है एन की, तो एन वन थ्री फाइव हो सकता है, जब ये होगा तो ये आएगा cos पाई cos 3 पाई cos पाई 5 पाई, या और ये हमेशा एक ही जगह होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री पर cos के लिए माइनस वन होती है, तो ये 2 बन जाएगा, यानी टोटल आ गया 4 vs ओवर n पाई, ये आपका ये आ गया। तो कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अब v नॉट की एक्सप्रेशन जो बन रही है वो क्या बन रही है, ये बन रही है n किसके बराबर है 1 3 5, और यहां पर अंदर क्या आएगा 4 vs over n pi sin n omega t, जो बाकी तो चीजें आएंगी इसको हम बॉक्स कर लेते हैं, ये हमारे पास फोरियर सीरीज की एक्सप्रेशन आ रही है, ठीक है। अब इसमें से अगर आपसे कहा जाए कि फंडामेंटल का कंपोनेंट बताइए, फंडामेंटल का कंपोनेंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वी नॉट वन, इसके बराबर होगा 4 वी एस ओवर पाई साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, सॉरी पीक वैल्यू 4 वी एस ओवर पाई, और इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, 4 वी एस ओवर रूट टू, सॉल्व करें इसको 0.9 वीएस आ जाएगा, तो सॉल्व करके देखें, जी हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को, जी सर समझ में आ रहा है सबको, समझ में नहीं आए जहां से जो पॉइंट पूछ सकते हैं, ये 0.9 सही आ रहा है, यस सर, कैलकुलेट करके देख लीजिए सर, जी हाँ पूछे जी, कौन बोल रहे हैं, हेलो कोई कुछ पूछ रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है,
यहाँ तक क्लियर, आगे चलूं? अच्छा अच्छा, आप लिखिए न्यूमेरिकल जो आपने करना है, तो रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर फुल ब्रिज, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर फुल ब्रिज, ठीक है? तो ये छोड़ रहा हूं मैं, कर लेंगे आप लोग? ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी को आपने रिपीट करना है, वही डाटा होगा, वही तमाम चीजें फाइंड आउट करनी है। तो जाहिर है इसमें डाटा चेंज हो गया, फॉर्मूले चेंज हो गए, मेथड वही रहेगा, इसको आप परफॉर्म कर लीजिएगा। ओके, ये हमारे पास सिंगल फेज इन्वर्टर्स हैं, इसमें कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ, कोई भी इशू है तो। अब कर दूं सब? जी रब कर दूं? अच्छा अच्छा जी, इसके बाद हम एक इन्वर्टर्स में, ये हम एक ट्री बना लेते हैं थोड़ा सा, एक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इन्वर्टर्स में। तो अगर हम इन्वर्टर्स पढ़ रहे हों तो उसमें हमारे पास दो बड़ी बुनियादी ब्रांचेस आती हैं, एक है हमारे पास सिंगल फेस इन्वर्टर्स, दूसरा कौन सा होगा? हाँ अच्छा, सिंगल फेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल फेस, बहुत पीछे लिख दिया, सिंगल फेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल फेस। दूसरा क्या हो सकता है? थ्री फेस इन्वर्टर्स, ठीक है जी। सिंगल फेस की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? हाफ ब्रिज और दूसरी कौन सी है? फुल ब्रिज, या इसको सिर्फ ब्रिज भी कह सकते हैं। इसे थ्री फेज के दो टाइप्स हैं, 180 डिग्री कंडक्शन और दूसरी कौन सी है? 120 डिग्री कंडक्शन, में फुल ब्रिज के कुछ कंट्रोल्ड पैरामीटर्स हैं, यानी फुल ब्रिज में हमारे पास क्या है? सिंगल फेस के वोल्टेज कंट्रोल्ड टाइप्स क्या क्या हो सकती है? वोल्टेज कंट्रोल्ड टाइप्स इसकी पांच टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि बड़ी मशहूर है एस पी डब्ल्यू एम। SPWM क्या चीज होगी? सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है? ये दूसरी टाइप है MPWM, क्या है? मल्टी PWM। तीसरी क्या हो सकती है? SPWM। S क्या है? साइनो, ये सबसे मशहूर है, साइनोसॉइडल और पल्स विद मॉड्यूलेशन, यानी PWM। क्या हो सकती है? MSPWM। क्या चीज है? मॉडिफाइड साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन, मॉडिफाइड साइनसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन। एक इसकी और होती है, ये क्या है? फेज डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके जी,
इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे पास इन्वर्टर्स का एक कंप्लीट टॉपिक होता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसमें से हम ये चीज कर चुके हैं और ये चीज भी कर चुके हैं, अब हमें ये चीज करनी है और ये चीज करनी है, यानी थ्री फेज इन्वर्टर्स को हमें करना है, उसके बाद ये पूरे के पूरे कंट्रोल मेथड्स को भी हम देखेंगे, ठीक है। भाई यहाँ तक क्लियर है बात सबको, इसमें कोई सवाल नहीं सर? रब कर दूं, नोट कर लिया? रब कर दूं? हेलो, रब करूं? यस सर, कर दें। अच्छा, आप हेडिंग दीजिए थ्री फेज इन्वर्टर्स, हेडिंग दीजिए थ्री फेज इन्वर्टर्स, अच्छा थ्री फेज इन्वर्टर्स को हम ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको याद होगा ईएमएस में थ्री फेज ट्रांसफार्मर इंप्लीमेंट हुए थे, थ्री फेज ट्रांसफार्मर को अपने लैब में कैसे इंप्लीमेंट किया था, तीन सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर लेकर उनको ज्वाइन कर दिया था, याद है आप लोगों को? जल्दी से बताओ भाई, याद है ना? तीन सिंगल फेज के इन्वर्टर आपने लिए थे। ओ भाई बोलो तो यार, बिल्कुल खामोश बैठे हो, सो रहे हो क्या सारे के सारे? तो मैं भी सो जाऊंगा ऐसे। हेलो सर, याद नहीं आ रहा था यार। थ्री फेज आपने जो ट्रांसफार्मर पढ़ा था उसमें सिंगल फेज में कनेक्टिंग करते थे स्टार डेल्टा में, Y डेल्टा जो कनेक्ट करते थे, Y Y डेल्टा डेल्टा Y डेल्टा डेल्टा Y, इसमें कनेक्शन बनाते थे हम। यस सर, याद नहीं? वो जो ट्रांसफार्मर के तीन तारे होती थी इधर से और तीन तारे इधर से, तो उसको अगर हम इस तरह सब कुछ सर्कल में ज्वाइन कर देंगे तो डेल्टा बन जाएगा, इस तरह से करते थे ना कुछ। खैर, सिंगल फेज के तीन ट्रांसफार्मर से हम एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना सकते थे, इसी तरह सिंगल फेज के तीन इन्वर्टर्स अगर मैं ले लूँ, ये एक इन्वर्टर ले लिया मैंने, ये दूसरा इन्वर्टर ले लिया सिंगल फेज का और ये सिंगल फेज का तीसरा इन्वर्टर मैंने ले लिया, ठीक है। ये इसके टर्मिनल्स, ये इसके टर्मिनल्स, ये इसके टर्मिनल्स, ये इसके आउटपुट टर्मिनल्स, ये आउटपुट टर्मिनल्स, अगर कुछ ऐसे हो और ये आपकी सप्लाई हो, ये क्या है? वीएस, डीसी सप्लाई होती है ना हमेशा इनपुट, तो हाँ, तो ये कनेक्शन कुछ इस तरह से बन सकता है कि मैं पहले को मैं ज्वाइन कर दूं एक इस लाइन से जो कि इसके पहले में जाएगा, ये भी इसके पहले में जाएगा, ये भी इसके पहले में जाएगा, और यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये इसके दूसरे में जाएगा, ये इसके दूसरे में जाएगा, ये इसके दूसरे में जाएगा, तो ये आपने इनपुट दे दिया, इसी तरीके से आउटपुट पे हम कॉइल लगा के या ट्रांसफार्मर लगाकर हम आउटपुट ले सकते हैं अपनी मर्जी के लेवल का, टर्मिनल्स बना लेते हैं। तो इसका हम एक काम करते हैं, ये जो लास्ट टर्मिनल है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं सबके लास्ट टर्मिनल को एक साथ, और यहाँ से हम ले लेते हैं पहला वो ए टर्मिनल,
ये ले लेते हैं हम दूसरा बी टर्मिनल, ये ले लेते हैं हम तीसरा सी टर्मिनल, तो ये आपकी थ्री फेज सप्लाई आ गई। जी बात समझ में आई सबको? ये हमने एक बल्कि यहां लिख रहे थे डीसी सप्लाई से हमने थ्री फेज सप्लाई हासिल कर ली, तीन सिंगल फेज के इन्वर्टर्स लगा के। अब अगर मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अंदर टोटल ट्रांसिस्टर्स कितने इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो आप क्या बताएंगे? ट्रांसिस्टर्स क्यों इस्तेमाल होंगे एज अ स्विच? टोटल ट्रांसिस्टर्स कितने होंगे इस पूरे के सर्किट के अंदर? कितने? 12, 12. जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही भाई। 12. बिल्कुल सही, 12। क्योंकि अभी आपने देखा था कि फुल ब्रिज आपके चार ट्रांसिस्टर ले रहा था, तो चार इसके, चार इसके, चार इसके। इसी तरह अगर मैं डायोड्स की बात करूं तो डायोड्स में कितने होंगे? जितने ट्रांसिस्टर होते हैं उतने डायोड्स होते हैं, तो ये भी कितने हैं? 12। तो अब इनको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाएगा, क्योंकि 12 को आपने सही से कंट्रोलिंग करनी है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि थ्री फेज इन्वर्टर्स जो हैं उनको बजाय इसके कि हम सिंगल फेज के तीन इन्वर्टर्स देकर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उसमें एक तो कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल होगी, फिर लॉसेज बढ़ जाएंगे ना, जितने स्विचिंग डिवाइसेज हैं उतने लॉसेज हैं। तो हमारे पास इसकी दो टेक्निक्स हैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने की, एक कहलाती है 180 डिग्री कंडक्शन डायरेक्ट टेक्निक, और दूसरी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? 120 डिग्री कंडक्शन। और इस दोनों टेक्निक में आपके पास जो ट्रांसिस्टर इस्तेमाल होंगे वो 6 ट्रांसिस्टर्स होंगे, और 6 ही डायोड्स। बताइए हमारा काम कितना आसान हो गया, हाफ हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक आपको एक जरूरत का पहले एहसास दिलाया है, एक चीज बताई कि भाई देखो थ्री फेज इन्वर्टर्स आप बनाओगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि सिंगल फेज आप सीख चुके हो तो तीन सिंगल फेज के इन्वर्टर्स लो, उनको एक प्रॉपर कनेक्शन बनाओ, आपको थ्री फेज सप्लाई मिल जाएगी, मगर उसमें आपके पास ये सारे मसले आएंगे, कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। तो क्यों ना हम थ्री फेज का एक ही इन्वर्टर बना लें, ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे तीन सिंगल फेज के जनरेटर लो, उनको सिंक्रोनाइज करो और थ्री फेज की सप्लाई हासिल कर लो, तो बिल्कुल हासिल हो सकती है। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन और ये तमाम मसले मसाइल, तीन सिंगल फेज के जनरेटर्स, ये बहुत हैक्टिक चीज़ हो जाएगी। तो बजाय इसके कभी भी आपने नहीं रियल लाइफ में ऐसा देखा होगा होते हुए, सिवाय ये कि कोई ज़रूरत हो, वरना नॉर्मली थ्री फेज की सप्लाई के लिए आप जो जनरेटर लेते हैं वो थ्री फेज बिल्ट इन उसमें वाइंडिंग्स होती हैं, देखा है ना आपने, जैसे यूनिवर्सिटी में रखा है हमारे। इसी तरह ट्रांसफार्मर भी थ्री फेज का बिल्ट इन होता है, ऐसा नहीं होता तीन सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर लगा के आप उसको मिलाकर एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, इसी तरह इन्वर्टर भी बिल्ट इन ही होता है। तो पहली हेडिंग दीजिए, ये मैं सब रब कर रहा हूँ, पहली हेडिंग क्या बनेगी फिर बताएं आप? जी पहली हेडिंग क्या बनेगी? 120 डिग्री कंडक्शन। बिल्कुल ठीक, हेडिंग दीजिए 180 डिग्री कंडक्शन, 180 डिग्री कंडक्शन। अब इसमें और इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, ऑल ट्रांसिस्टर रिमेन ऑन फॉर 180 डिग्री ड्यूरेशन, ऑल ट्रांसिस्टर विल रिमेन ऑन फॉर 180 डिग्री कंडक्शन, ऑल ट्रांसिस्टर्स रिमेन ऑन फॉर 180 डिग्री ड्यूरेशन, कंडक्शन ही ड्यूरेशन, 180 डिग्री ड्यूरेशन के लिए ऑन रहेंगे। अच्छा मैं डायग्राम बनाऊंगा, वैसे 10 मिनट रह गए हैं, तो ये डायग्राम जो है वो मैं सेव कर लूंगा और फिर हम इसको अलग से देखते रहेंगे, क्योंकि डायग्राम काफ़ी बड़ी भी है, फिर वर्किंग भी करनी है हमें। तो ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं नई मीटिंग शुरू करूँगा। थ्री इसकी डायग्राम कुछ ऐसी होगी कि ये आपके पास आ गई सप्लाई, रेडी बन गई। सप्लाई आ गई, ठीक है। अब इसमें यहां ऊपर एक ट्रांसिस्टर है, ये दूसरा ट्रांसिस्टर, इसके सामने
ये एक डायोड है, ये दूसरा डायोड है, ठीक है जी। अच्छा अब इसी को आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तीन दफा, ये एक फिर एक और ट्रांसिस्टर आ गया, ये आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, डायोड और डायोड। ये डायोड ठीक है जी, इसका नाम हमने, अच्छा ये इसकी वो बना दे गेट टर्मिनल्स, इसका नाम है हमारे पास U1 D1, जैसे थ्री फेज में रखते हैं वही नाम देंगे, 3-4 याद ऐसे ही करते थे ना, 1-4 क्यों, पहले 1-3-5, 3-3 इसको हम देंगे 5-5, ये 2-6-4 यहाँ पे आएगा 2-6, याद है आपको यही नाम देते थे ना हम लोग, ये ए टर्मिनल हुआ, ये बी टर्मिनल हुआ, ये सी टर्मिनल, ये डीसी सप्लाई है, ये ए बी सी। नीचे हम जरा लोड बनाते हैं इसका, ये कौन सा कनेक्शन होता है जो मैंने बनाया अभी लोड के लिए, ये वाई वाई वाई, बिल्कुल सही, ये जेड जेड और जेड, ठीक है जी। इसके नाम हम दे देते हैं, इसका नाम है कैपिटल ए, ठीक है, इसका कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी कर लेते हैं, वो छोटा स्मॉल ए बी सी डी, ए बी सी हो गया, ये कैपिटल हो गया, और इनका आपस का कनेक्शन वो मैं रेड कलर से बना देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ए को ए से ज्वाइन कर दें, बी को बी से ज्वाइन कर दें, और सी को सी से ज्वाइन कर लें, ऐसे ये कनेक्शन बन गया भाई, ये है कंप्लीट डायग्राम, इसको बना लीजिए, ये मैं सेव भी कर लेता हूँ। जी इसमें कोई सवाल जल्दी से बताइए, ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, ये पूरा ड्रॉ हो गया, यस सर। अच्छा एक काम करें, अब आप सब ना इस पर ना अपने मोबाइल से एक तस्वीर ले लें, ताकि अपने सामने ना बार बार आपको ये खोलनी पड़ेगी डायग्राम देखने के लिए, तो मोबाइल से तस्वीर ले लीजिए सब जल्दी से, जी ले ली तस्वीर ले ली, तो मैं काम करता हूँ, नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, आप लोग आ जाएं नई मीटिंग में।